हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद रत्नेश पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस की। ईवीएस का पार्ट 1, 2 और 3 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भू भाग पर वन होना अनिवार्य है? इसका आंसर है 33% भू भाग पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN क्या है? तो PAN एक वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? इसका आंसर पराबैंगनी किरणों से, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। और बात करेंगे अगर कि वन सप्ताह कब होता है तो वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर बैरोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक है बार। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो ये घटित होती हैं शोभमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तथा संचार का प्रसारण वायुमंडल के किस परत से संभव है? तो ये आयन मंडल में संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है? तो ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो आता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है शोभमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ये है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैल, कोयला और चूना पत्थर ये सब क्या हैं? तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट ये क्या हैं, या कह सकते हैं कि किसके उदाहरण हैं? तो ये आग्नेय चट्टान हैं। अगला क्वेश्चन, स्लेट और संगमरमर क्या हैं? ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? अधिकतम वर्षा होती है विषुववृत्तीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत अवशोषित करती है? तो इसका आंसर है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? इसका आंसर है 71% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है आर्गन गैस। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका आंसर प्रकीर्णन के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।